सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, सुबह से ही जो ऑपरेशन था वो चल रहा था और अब जानकारी है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, क्या अपडेट? जी देखिए, रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से बताया था कि एक आतंकी मारा गया है, भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर की तरफ से अभी एक ट्वीट जारी किया गया है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि पहला आतंकी इस ऑपरेशन में मारा गया है और आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। क्योंकि लगातार सुरक्षा बल सुबह से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि कुछ रिपोर्ट जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 3 आतंकी मारे गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। अब जो है पहले आतंकी के मारे जाने की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना दोनों की तरफ से कर दी गई है। 2 आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन 2 आतंकियों को भी मारा गिराया जाए। यह आतंकियों का एक नया गुट है जो घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं पर पाकिस्तान से घुसा था, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से इसने घुसपैठ की थी। तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले यहां घुसपैठ हुई थी और यह आतंकी समूह बड़े हमले के अंजाम में था। यह गुलमर्ग की तरह ही एक हमले को अंजाम देना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता की वजह से सुबह यह हमला विफल हुआ और उसके बाद इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। लगातार रॉकेट लॉन्चर से जब हमला किया गया उसमें एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी का शव अब सुरक्षा बलों की तरफ से बरामद कर लिया गया है और अब ऑपरेशन लगातार जारी है कि बाकी 2 आतंकियों को भी मारा जाए, क्योंकि त्यौहार से पहले यानी कि दीपावली से पहले एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में ये आतंकी थे। लेकिन इससे जो है सुरक्षा बलों ने, जिसमें एक सिख अखनूर पुलिस और उसके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, भारतीय सेना विशेष दस्ता जो भारतीय सेना का है, पैराफोर्सिस और उसके साथ साथ अब NSG कमांडो, सभी मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, ये भी बताइएगा जिस तरीके से फायरिंग सुबह की गई इसके पीछे क्या और मंशा हो सकती है, आगे क्या सुरक्षा बलों का कदम होगा? देखिए, मंशा आतंकियों की बिल्कुल साफ थी कि गुलमर्ग को जो है एक बार फिर से दोहराया जाए, उसी तरह से सैनिक के वाहन पर हमला किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो सैनिक हैं उनकी जान ली जाए। लेकिन क्योंकि गुलमर्ग हमले के बाद एक अलर्ट जारी किया गया था और इस पूरे इलाके में अलर्ट था, क्योंकि गुलमर्ग आतंकी हमले के शाम को ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बताया था कि किस तरह से जम्मू के 5 ज़िले में, जिसमें कि जम्मू ज़िला भी शामिल है, सरहदी इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि घुसपैठ के साथ साथ इसी तरह के हमले की आशंका थी और उसी के चलते पूरा जो जम्मू कश्मीर पे अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसी के चलते सतर्क थी भारतीय सेना और आतंक के इस मंसूबे को विफल करते हुए अब एक आतंकी को मार गिराया गया है और 2 आतंंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं। और शायद यही वजह कि जो सुबह से मशक्कत चल रही थी सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरसिमरन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते बड़ी खबर का जो कि आ रही है हिमंता बिस्वा को लेकर के, घुसपैठ के मुद्दे पर हिमंता का बड़ा बयान सामने आया है। घुसपैठियों के घर में आग लगाएंगे, उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि राज्य से हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर आज असम के मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि घुसपैठिए के घर में आग लगाएंगे, राज्य से बाहर निकालकर फेंकेंगे। देखिए, जिस तरीके से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है असम के लिए अगर बात करें या फिर झारखंड के लिए बात करें तो, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के अब असम के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, उनकी ओर से साफ कहा गया है कि राज्य से हर घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों के घर में आग लगा देंगे, ये बड़ा बयान असम के मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। तो जैम बोल रही है कि आप आग लगाने आते हैं? आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ, हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने क्या कहा वो आप सुन रहे थे। झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक तक बनाया जा रहा है और इसके पीछे खेल वोट बैंक का है। कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है और अब कांग्रेस हमलावर भी है। रिपोर्ट देखिए। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इरफान अंसारी को मंत्री सभा से बर्खास्त किया जाए। झारखंड के चुनावी संग्राम में घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। अगले महीने होने वाली वोटिंग से पहले प्रदेश सरकार और कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर जीत की राह तलाश रही है, तो बीजेपी चुनावी दंगल में घुसपैठियों के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। घुसपैठियों पर जारी सियासी वार पलटवार से पहले इस चिट्ठी को देख लीजिए जो ऋषिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की और झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर दावा भी किया। ऋषिकांत दुबे ने लिखा है,
कि ये है झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठों को भारत का नागरिक बनाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत और जमीन लूटने का सबूत। ये पत्र झारखंड सरकार का है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस और जेएमएम हमारे संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रही है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परगना में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाए, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। निशिकांत दुबे के इन दावों के पीछे साल 2023 की ये चिट्ठी है, जिसमें प्रदेश सरकार खुद कह रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं और मदरसों में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है और उन्हें यहाँ का नागरिक बना दिया जाता है, उनके वोटर लिस्ट तक में नाम होते हैं। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ, हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। यानी कि आरोपों के कटघरे में सोरेन सरकार और कांग्रेस है और रणनीति का हिस्सा वोट का कटोरा, और अगर नहीं तो फिर सोरेन सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर खामोश क्यों है? इन घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करती? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बार बार अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता जता रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जाहिर है कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसे आधार बनाकर हेमंत सोरेन की करीबी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा ना देते। वो ये भी आरोप ना लगाते कि आदिवासियों के अधिकार छीनकर अवैध घुसपैठियों के राज्य में पनाह बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।